उज्जैन जिले के स्वास्थ्य अधिकारी संगठन ने कार्यकारिणी मेंबर और पदाधिकारी सैकड़ों संख्या में उज्जैन के कोठी कार्यालय पर एकत्रित हुए और नाराजगी जाहिर की। विरोध दर्ज कराकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के ऑफिस पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या बताई। इन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान समय में हम सब कई प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में परेशानी के बीच रहकर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार हमारी समस्या का निराकरण करे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 2006 से इसके लिए लड़ रहे हैं लेकिन हमारी मांगों की तरफ विशेष ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। इन तरह हमारे साथ है ना खिलवाड़ करते रहते हैं और अन्य किन्हीं भी बातों में हमसे 12-12 घंटे तक ड्यूटियाँ ली जाती हैं। अभी कोविड के दौरान हम लोगों ने इतना कार्य किया है लेकिन हमारे लिए उसका प्रतिफल कुछ भी नहीं है। हम लोगों को 7-7 बजे तक बोला जाता है कि आप फील्ड में रहिए, हमारी सुरक्षा का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आज सारे उज्जैन जिले से हम लोगों ने कलेक्टर साहब महोदय को वो दिया और नर्सिंग केडर से भी हटा दिया गया है और ना ही हमारी वेतन विसंगति दूर की गया था जो कि शासन प्रशासन को हम लोग 10 साल से अवगत कराते जा रहे हैं। आज दिनांक तक उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, बेबस होकर के हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल को करना पड़ा है और इसीलिए शासन प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि हमारी इस मांगों पर ध्यान दें और हमारी मांगें पूरी। किस प्रकार से वर्तमान समय में समस्या आ रही है सर आप लोगों को, किस प्रकार से क्या हो रहा है? समस्याएँ बिल में बहुत सारी आ रही हैं। हमारे एन एम एन जी को अनमोल ऐप में एंट्री करने के लिए बोला गया है और अनमोल ऐप एक ऐसा ऐप है कि उसमें उसको वित्त से जोड़ दिया गया है। वित्त में जोड़ने से कारण हमारी सिस्टमों को परेशानी आ रही है। उनका वो पहली बात तो वो कंप्यूटर में दक्ष नहीं है, दक्ष ना होने के कारण परेशानी आ रही है और उसका कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया और एनएम के ऊपर जबरदस्ती ढोक दिया गया कि आप इसमें एंट्री करें। किसी महिला की अगर समग्र आईडी नहीं मिलती है या उसका खाता नंबर नहीं मिलता है तो उनकी वेतन से पैसा काट दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।